आप देख रहे हैं विजय टिप्स यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आज हम NTSE लेवल 1 2018 की सेट के आंसर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम कोड बी को सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे पहले ही क्वेश्चंस आपके पास मैथ के ऊपर दिया गया है, एक ट्रायंगल दी गई है जिसके अंदर एक एंगल 90 का, एक 60 का, और एंगल का बाइसेक्टर जो 60 डिग्री का है उसी वो BC को डी पॉइंट पर मीट करता है। हमें BD और DC के बीच की रेशो पूछी गई है। ये रेशो सॉल्व करने पर आप इनको ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, 1:2 इसका आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट आपके दो इक्वेशन दी गई हैं, उन दोनों के बीच में दो दो रूट्स हैं और एक रूट कॉमन है दोनों का। हम उन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे, आपस में घटाएंगे तो रिलेशन आएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी। डी की वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू बनेगी 0 और 4। तो डैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 0 हमारे पास दिया नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, में थर्ड क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एड्स ऑफ द क्यूब इज एक्स मीटर। मीन्स हमें सभी ऑल एड्स का जोड़ और उसका सरफेस एरिया इक्वल दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइड है वो 2 आ जाएगी, तो जिस चीज़ के कारण उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का जो दिया गया हमें, इसमें हमें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है जिसमें एंगल 90 डिग्री पर है और हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है जो D और E पॉइंट AC² - EC² DC - BC². हम जब इस ये इनके अंदर जो भी हमारे हाइपोटेन्यूज बनते हैं, डैटमीन्स कर्ण बनते हैं, हम उन वैल्यूज़ को जब रख देंगे, उन वैल्यू को रखने के बाद हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो रेशियो हमारे पास कितनी आएगी इन दोनों के बीच के ऊपर सॉल्व करने पर, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आएगा। 15 AP दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उनको 1, 2, 3, 15 आपके लगातार डिफरेंसेस दिए गए, इस हिसाब से हमारी जो AP है वो उनकी लास्ट टर्म्स का जोड़ पूछा गया है। तो 15, 29, 43 इस हिसाब से हमारी AP बनेगी। हम उनकी 15 टर्म्स का जोड़ करेंगे, ये भी एक AP बन जाती है, 1695 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमारी तीनों साइड्स दी गई हैं, तो हम इसे AD मीडियन जो ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ पूछी गई है, वो 13 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री से ड्रॉ की गई मीडियन की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ की इक्वल होती है। इसमें हमसे एक्सपेंशन पूछी गई है, हम जब इनको रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो नीचे 625 बचेगा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो ये 5 की 4 होगा, डैट मीन्स हमारा जो टर्मिनेट बनेगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस तक। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस दी गई है, दोनों इस इक्वेशंस के रूट सारे के सारे इसके कॉमन है, तो उसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 होगा, उससे हमारा रिलेशन बनेगा A = -1, B = 2A, तो B = -2, सो हमारा आंसर हो जाएगा -1 एंड -2, ये हमारा आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रेजेंट एज पूछी गई है फादर और सन की, इसका आंसर हमारे पास रहेगा 36 एंड 6, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास 72, 127 रिमेनिंग नंबर पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर 7 और 10 रिमाइंडर बचते हैं, दोनों में से घटाएंगे 72 - 7, 65, 127 - 10, 117, दोनों का HCF क्या रहेंगे, तो 13 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट में आपके पास A और B की वैल्यू पूछी गई है, दो पॉइंट दिए गए हैं, उनको ट्राइसेक्ट करने वाले A और B के साथ कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स दिए गए, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास A की वैल्यू -1 और B की 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस -sin थीटा के साथ रिलेशन दिया गया, आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपके पास दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, इसलिए 45 की जगह आप कोई और एंगल पर चेक करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, सॉल्व करेंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें एक आपके पास हाइट पूछी गई है, टावर की हाइट दी गई है आपको और पिलर की हाइट आपसे पूछी गई है, वो 40 मीटर हमारे पास हमारी पिलर की हाइट आ जाएगी। एक डायगोनल्स दिया गया, क्वाड्रिलेटर ABCD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ये आपकी मिनिमम रेक्टेंगल्स बनेंगी, सबसे पहले रेक्टेंगल्स होगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास एंगल पूछा गया, हमारे पास यहाँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई होगी, ये एंगल 60 का हो गया हमारे पास और ये एंगल 120 का होगा, ये एंगल आपके पास इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन एंगल आर के इक्वल होगा, सो आर एंगल आर इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें शेडेड एरिया पूछा गया, ट्रायंगल में से हम हमारे सेक्टर का एरिया घटाएंगे तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बकेट दी गई है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन एंड इट कैन होल्ड, पानी दिया गया कितने लीटर, 28.4 लीटर पानी होल्ड करता है। उसकी रेडियस दी गई है टॉप और बॉटम्स की, हमसे स्लैंट हाइट पूछी गई है, सॉल्व करने पर अंडर 274 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसमें दो डाइस दिए गए हैं और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, नंबर अपीयर ग्रेटर देन द 6 बट नॉट लेस देन 9, तो 7 और 8 हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 11/36 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन है कैन रो ए वॉट 10 किलोमीटर पर आवर्स, हम इसी हिसाब से इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करके देख सकते हैं, तो 2 किलोमीटर पर आवर ये इसको सेटिस्फाई करेगा हमारे क्वेश्चन की इक्वेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक साइक्लिक क्वाड्रेटर दी गई है, हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, सॉल्व करने पर एक्स 35 डिग्री एंड द वाई 110 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है हमारे पास। एंड द नेक्स्ट एसएस के क्वेश्चन हमारे रहेंगे, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द रिलेट टू द न्यू कॉरपोरेशन मूवमेंट 1919 इन इंडिया, डिसॉल्विंग गवर्नमेंट लॉज आंसर होगा, व्हाट डज द नॉवल सेवा सदन बाय मुंशी प्रेमचंद मेनली रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डॉरी के ऊपर थी ये नॉवल उनका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लिबरल नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत है, रॉन्ग है। और नेक्स्ट में भी आपसे स्टेटमेंट पूछा गया कौन कौन सी सही है, इसके अंदर पहली तीनों स्टेटमेंट ठीक है, लॉर्ड इरविन एब्लिश टैक्स ऑन साल्ट ये गलत है क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाए थे, इस पर टैक्स हटाए नहीं थे। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इनके अंदर, इसके अंदर से हमारे पास फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। स्टीप हाइक होने वीट प्राइस, गेहूं के दामों में तीव्र उछाल, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें हमें आंसर बताने होंगे, अगर दोनों ट्रू हैं, पहली ट्रू दो सेकंड फॉल्स, पहली फॉल्स सेकंड ट्रू, तो सेकंड आंसर होगा, दोनों ट्रू हैं तो थर्ड आंसर होगा, अगर दोनों की दोनों ट्रू हैं बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो हमारा फोर्थ आंसर होगा। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 26 के अंदर हमारी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन सेकंड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसका भी फोर्थ आंसर होगा, इसमें भी हमारे पास जो कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं लेकिन सेकंड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसके अंदर भी हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास 26, 27 एंड 28 दोनों के जो आंसर हैं हमारे पास वो तीनों के आंसर फोर्थ हुए, और क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू हैं लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर, इसमें आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा फर्स्ट आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट, अरेंजमेंट करना है इनको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि किस किस टाइम कौन कौन सी घटना हुई है। इसमें सबसे पहले आपका थर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशंस, फिर इटली ऑफ वियना, फिर नेक्स्ट हमारे पास यूनिफिकेशंस ऑफ इटली, फिर नेक्स्ट यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी, इनका एकीकरण हुआ, तो डैट मीन्स हमारा जो आंसर बन गया वो सेकेंड हुआ हमारा आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज करना है इनको भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इसमें हमारे पास सबसे पहले सेकंड आएगा लाहौर अधिवेशन, फिर हमारे पास थर्ड आएगा BVR अम्बेडकर और दलित एसोसिएशन का, फिर हमारे पास फोर्थ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर हमारे पास पूना एक्ट फोर्थ नंबर पे आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द महात्मा गांधी पॉपुलर इमेज इन शॉर्ट धोती एंड ए स्पाइनिंग व्हील डुप्लीकेट्स, इसका फर्स्ट आंसर होगा आत्मनिर्भरता एंड ब्रिटिश मिल के बने कपड़े का प्रतिरोध, इस तरह की इमेज उनकी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमें बताना है पहाड़ियों के आधार व घाटी तल की रेट में जलोड़ के रूप में कुछ गनीज पाए जाते हैं, इनमें किस नाम से जाना जाता है, प्लेशर निक्षेप, प्लेशर डिपॉजिट्स के नाम से, अदर देन द करंट फाइलो लैंड इज नोन एज द लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग आर नॉट यूज इन रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर डेट अलाउड द वाटर टू स्टैंड, लास्ट हमारा पालर पानी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड आर नोन एज
एंड एज स्पेसिस संकट ग्रस्त जो जातियाँ हैं वो, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज नॉट रवर बिलोंग्स टू, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। एंड द नेक्स्ट हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मानस बायो रिजर्व लोकेटेड, असम। द नेक्स्ट, द राव मूमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेस एंड द कंटेंटिनल रॉक्स लीडिंग टू फोल्डिंग बलन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया है, एलनीनो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी नॉट ट्रू है। इसमें थर्ड टर्म, थर्ड, तमिलनाडु में मिलने वाली मोनाजाइट रेट में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से अनित्य दिए गए कोड का प्रयोग सही प्रयोग करना है हमें, इसके अंदर इनकी मैचिंग करनी है। हमें जो मध्य प्रदेश है वो हमारे पास बनवर और दहिया, बेवर या दहिया के नाम से मैच करेगा, और उड़ीसा पामाडाबी या कोमान, और वेस्टर्न घाट आपका कुम्हारी, और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जुमिंग, जुमिंग जूम मतलब इसे मैचिंग हमारी करता है, मैचिंग करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैचिंग करनी है हमें, इसके अंदर अलाहाबाद, हल्दिया और इलाहाबाद है हमारे पास, जो ये आपका लास्ट फोर्थ NVW नंबर 1 से मैच करेगा। कोटमपुरम आपके पास नेशनल वाटरवेज नंबर 3 से, और थर्ड हमारे पास काकीनाडा और पांडेचेरी आपका सेकेंड नंबर से, नंबर 4 से, और सदिया एंड धुबरी नंबर 2 से, डैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर के रूप में हो जाएगा। इसमें मैच करना है हमें उड़ीसा झारखंड बेल्ट, आपके उड़ीसा दुर्ग बत्सर थर्ड छत्तीसगढ़ से मैच करेगा, बलेरी चित्रदुर्ग आपका फर्स्ट कर्नाटका से, और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आपकी गोवा एंड महाराष्ट्र, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ इसका आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड हमारी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। एंड द नेक्स्ट, विच इज नॉट परमानेंट ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जर्मनी। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट कंजिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हमें विषम जोड़ा छांटना है, डिफरेंट जोड़ा ऑड वन आउट करना है, नरेंद्र मोदी एंड सुमित्रा महाजन, ये एक PM है और दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बाकी सभी गवर्नर जो फर्स्ट है वो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सेकंड दोनों गवर्नर हैं, और फोर्थ हमारे पास दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। एंड द 49th क्वेश्चन, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है, फर्स्ट तेलंगाना इज क्रिएटेड फ्रॉम उड़ीसा, नहीं उड़ीसा से नहीं, ये आंध्र प्रदेश से इसका क्रिएशन हुई है, आंध्र प्रदेश में से जो तेलंगाना बनाया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिजाइड द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन कौन लेता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और बुलाने वाला जो होता है वो प्रेजिडेंट होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट ए पोलिटिकल पार्टी, RSS। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट ए करेक्ट मैच, थर्ड बुतरस घाली ईरान, ये आपका गलत रॉन्ग है हमारे पास, बाकी जो तीनों है वो उनकी जो मैचिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि अगर एक उद्योगपति मिस्टर बजाज ने अपनी कंपनी के कर्मचारी पर शिक्षा पर 10 लाख रुपये, परीक्षण में 10 लाख और चिकित्सा पर 5 लाख खर्च किए, तो उसने कौन सा प्रयास इन्वेस्टमेंट किया, ये मानवीय पूंजी ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसान एक क्विंटल गेहूं को पैदा करता है 1800 लागत आती है, भारत सरकार ने कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने के सिद्धांत को अपनाया, जो निम्न है वो उसके अकॉर्डिंग आपका उसका मूल्य कितना होना चाहिए, 2700 रुपये, दैट मीन्स 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए गांव में 3 परिवार रहते हैं, उसके ऊपर पूछा गया है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमें बताना है कि वो फर्स्ट में सेकंड में और तृतीयक में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वेस्टमेंट आंसर है वो थर्ड बनेगा आपका, कि ये आप प्राथमिक के अंदर ये 20%, सेकेंडरी के अंदर 20% और तृतीय के अंदर आपका 60% हमारे पास इन्वेस्ट वो जो है अनुपात इनका रहेगा गांवों का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ एक बैंक है जिसके पास 1000 करोड़
10,000 करोड़ रुपए की जनता की राशि जमा है, बैंक में 7,500 करोड़ उपभोग करता है, आपके विचार में से कौन सी निम्न गतिविधि के लिए बैंक बेहतर होगा? ऋण विस्तृत करने के लिए मीन्स बाय एक्सटेंडिंग लोन्स। और नेक्स्ट, निम्न में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, हमें बताने की कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। सिर्फ इसके अंदर प्राथमिक के अंदर वो आती हैं जिनकी पैदावार की जाती है, और वो सिर्फ बी है गेहूं की खेती करना, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, थर्ड, गेहूं की खेती करना। इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास दिया गया, किसी देश के विकास की पूर्णतः प्राप्त संकेतक केवल आय ही नहीं है, संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड पॉइंट आपका सही नहीं है, मनी डज नॉट एंश्योर रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी फॉर द इंडिविजुअल्स। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैचिंग करनी है, फर्स्ट की ए की मैचिंग थर्ड से, सेकंड की फोर्थ से, थर्ड की सी की आपकी वन से मैचिंग होगी, और डी की मैचिंग सेकंड से होगी। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का, सॉरी, एंड द लास्ट क्वेश्चन और SS का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। देर आर वेराइटी ऑफ वेज इन द विच द MNC आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, विच इज नॉट, विच वन इज नॉट फिजिबल। आपका थर्ड आंसर होगा वाई इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड ऑफ द लोकल कंपनीज। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साइंस के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 25 ग्राम वाटर के कंटेन के अंदर आपका फोर्थ आंसर होगा हमारे पास बनेगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल वाटर, फर्स्ट ब्लू विट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव फ्लूड्स इन स्टोमच हैज अप्रोक्सीमेट, इनकी वैल्यू 1.53 से लेकर 3.5 तक होती है, तो जो आंसर है हम 2 कह सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एसिडिटी काफ़ी हाई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वेन वाटर गैस मिक्सड किया गया है, तो आपके पास पूछा गया कि लास्ट में लिक्विड विल बी किस रूप में मिलेगा हमें, मेथेनॉल के रूप में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्राप्त होगा हमें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपका थर्ड आंसर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन वैल्यू +3, +5, +6, +7। एंड विच ऑफ द वन इज नॉट, विच वन एन ऑक्साइड और जिंकसाइट। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट, आपकी थर्ड इनकोरेक्ट है, क्योंकि इसमें नीलकण आपका गैलियम के साथ आता है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका इन्होंने सी बनता है, और सी है सिर्फ अकेले सेकंड के अंदर दिया गया, तो इसका जो आंसर बनेगा वो सेकंड आ जाएगा। कंसीडर 2 स्टेटमेंट दी गई है हमें, एक आपकी अभिकथन कहा गया, दूसरा निष्कर्ष दिया गया, उसका रीजन दिया गया, तो इसके अंदर हमारा जो ए है वो ट्रू है, ए फॉल्स है हमारा, लेकिन जो रीज़न है वो ट्रू है हमारा, तो आपकी जो इसकी चीज़ के अंदर हो जाएगा वो हमारे पास फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम इम्पार्ट्स नहीं, डज नॉट इम्पार्ट्स करता है करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। सो आपकी अभी कथन ही हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है, सिलेक्शन दी, वही रॉन्ग है हमारे पास, तो फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसके अंदर सेकेंड आएगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हैलोजन आर वेरी लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी यूज टू इग्निस्ट बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया हमसे, आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट को जब डिस्प्लेस करेगा तो ब्लू कलर बनाएगा, मैग्नीशियम निकल वो कर ही नहीं सकेगा क्योंकि कम रिएक्टिव है, नो रिएक्शन, और फोर्थ में भी आयरन जिंक को कर ही नहीं सकता, नो रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे IUPAC नेम पूछा गया है, IUPAC नेम के अंदर हमने क्या करना होता है, हम लंबी सीरीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग 2 ethyl और 1 pentane, ये हमारे पास डेट मीन्स फोर्थ हमारा आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशंस को बैलेंस करना है हमने, तो हमारे पास जो फोर्थ है वो इक्वेशंस को बैलेंस कर रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे डायनोमीटर की रीडिंग पूछी है इन्होंने, हम फार्मूले की यूज़ करके कैलकुलेशंस करेंगे, तो 15 न्यूटन हमारा आंसर होगा इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, आप इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी थर्ड, W = 1 - A/G। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे वैल्यू पूछी गई है बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन द मीटर पर सेकेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो 1/√3, दैट मीन्स द फोर्थ आंसर इसका आंसर के रूप में, ग्राफिकल वैल्यूज को आप जब सब कुछ
सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्राफ से हमें वैल्यूज बतानी है, थर्ड आंसर आ जाएगा इसके अंदर। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द गिवन मीडियम इज वी, एंड द वेन फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल वी, द वेलोसिटी वेन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू 5V इज, ये वी ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द इनर्शिया। सो वेलोसिटी आपकी जो होगी इसके अंदर कुड नॉट चेंज, वैल्यू आपकी विल नॉट चेंज, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमारे पास वैल्यू पूछी गई है, द वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है, ए एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, जो सॉल्व करने पर हमारे पास 2g के इक्वल्स होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर द डिस्टेंस कवर्ड पूछी गया बॉय द रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी कितनी होगी हमारे पास, तो जो उसकी वैल्यूज आएगी वो L/6 आएगी हमारे पास वैल्यू जो इसकी, दैट मीन्स फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। L हमारे पास लेंथ दी गई, लंबाई दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमसे वर्क डन की वैल्यू पूछी गई है, जो हमारा फोर्थ आंसर होगा MgL/4। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें X1 से लेकर X4 तक की वैल्यू दी गई है, V और I के रिलेशंस दिए गए हैं। तो X1 दैट मीन्स सीरीज के अंदर है, X4 आपका पैरेलल है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बनता है थर्ड, क्योंकि X1 सीरीज और X4 पैरेलल सिर्फ इन्होंने थर्ड के अंदर ही दिया हुआ है, तो हमारे पास वो थर्ड आंसर के रूप में आ जाएगा। दैट मीन रेजिस्टेंस 1X3 एंड द रेजिस्टेंस 2X2, ये हमारे पास ऑप्शन के रूप में रहेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, एंगल पूछा गया आपसे 90° बनेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आपका आई के इनवर्सली रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके साथ जो रिलेशन बनेगा वो थर्ड बनेगा हमारे पास, दैट मीन्स हमारा थर्ड ग्राफ इसका आंसर के रूप में रहेगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें वैल्यू पूछी गई आपसे, पावर ऑफ द लेंस विल बी कितनी होगी हमारे पास, तो उसका जो सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पर हमारे पास B/C आंसर आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एमिटर और एमिटर की जो रीडिंग्स में डिफरेंसेस है, वो दोनों आइडियल एमिटर हैं और दोनों के अंदर सेम करंट पास होगा, तो जो करंट A2 के अंदर शो होगा वो 0 शो होगा, क्योंकि A1 के अंदर जितना शो रहा है उतना ही हमारे पास उसके अंदर शो होना है, तो A2 का जो करंट है वो 0 शो लिखा जाएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों, आपके पास सिस्टोलिक और डायलिस्टिक के जो डिफरेंसेस को मेजर करता है उसको हम प्लस प्रेशर कहते हैं, पल्स प्रेशर। जो स्पेसीज डेंजर्स के अंदर है वो अप्रोक्सीमेट 30% के करीब मानी गई हैं आज के सम टाइम के अंदर। एंट्री ऑफ द वाटर इन टू रूट हेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस, ये हमारे पास ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल्स है। टेंडन्स एंड लिगमेंट्स आर द टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, फाइबर्स टिश्यू हैं ये हमारे। और द ऑर्गन्स विच स्पाइडर यूज टू द प्रिपेयर बेबीज, इसको हम स्पिनरेट्स बोलते हैं, स्पाइनरेट्स। और द वेरिनेशंस एंड आर इम्पॉर्टेंट एज दे प्रोड्यूस एवोल्यूशंस, विकास के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द कोस्कोटा इज पैरासाइट, एक प्लांट है पैरासाइटिक परजीवी। एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, लेटरल वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 95 का सेकेंड आंसर रहेगा हमारे पास। एंड द नेक्स्ट, सेजिटेशन ऑफ द मेटीरियल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन ह्यूमन ऑकर्स इन द एल्वलिंग, एंड विच द फॉलोइंग डिजीज इज ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, जॉन्डिक्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास, इसके अंदर हमारे जो पूछ रहे हैं कि किस प्रजाति के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके कराया गया है, ये हमारी मैक्सिन प्रजाति है, फर्स्ट आंसर होगा। ILS82 एंड B77, ये ब्रीड्स आर द फॉलोइंग फाउल मुर्गी के ए, वो हैं हमारे पास प्रजाति हैं। और ओके थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और आपको अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें, जिसके अंदर आपको मतलब कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लैरिफाई करके बताया गया होगा। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों मित्रों से इस मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, और कोई कमेंट बात है तो उसको कमेंट करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक्स फ्रेंड्स।